हेलो दोस्तों, मैं विकास गुप्ता, IBS स्पेशलिस्ट, डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे पास कोई डिग्री वगैरह नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं विकास गुप्ता है कौन, वो बेवकूफ़ है कौन, चूतिया है कौन, किसी को दवा बताने वाला। सही क्वेश्चन है, पूछना जायज़ है यार किसी का भी। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट 15 साल भुगत भुगत के मैं खुद को IBS से कैसे निकाला हूँ वो मैं जानता हूँ। और IBS से लोग इतना, मतलब जो IBS में सफ़र कर रहे हैं, अंदर से इतना डरपोक, एक अजीब टाइप का जो डर उनके दिल में, दिमाग में जो चलते रहती है हर समय, हर समय मतलब 24/7 सोते समय भी डर, नींद में भी डर, एक अजीब सा खौफ की ज़िंदगी होती है। उसको मैं एक डॉक्टर से भी बेटर फील कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने मतलब 2 साल पहले जब मैं पहला दूसरा वीडियो डाला था तो कुछ लोग फार्मासिस्ट वगैरह हैं, या कुछ लोग मेरे ही मरीज हैं, रह चुके हैं। मैं अपना मरीज नहीं बोलता किसी को, IBS के मरीज को मरीज बोलना बिल्कुल गलत है। मैं सबको अपना दोस्त ही समझता हूँ, सबको अपना फैमिली मेंबर ही समझता हूँ। IBS वाले जो भी हैं मेरे फैमिली मेंबर हैं। तो कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि इंडिया में एक ट्रेंड चल रहा है जैप्ट्रा क्लोनरेस्ट और रिफामैक्सिन, टैनकोडेप, एमेट्रिप्लाइन, क्लॉस्पा एक्स और यही सब, टैनकोडेप वगैरह, ये सब दवा इंडिया में ट्रेंड। एक सज्जन ने मेरे बारे में बोला कि एक सज्जन हैं जो इंडिया में ट्रेंड चला रहे हैं जैप्ट्रा क्लोनरेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, कई सारी दवाओं का, 4-5 दवाओं का। तो वो सज्जन ट्रेंड चलाने वाला और कोई नहीं, पूरे इंडिया में आकर अगर अच्छे अच्छे डॉक्टर IBS के लिए, आप भले ही नहीं माने, ये सब दवा जो मैंने बोली, ये सब दवा अगर यूज कर रहा है, उसमें से 2-1 दवा ट्रेंड पूरे इंडिया में मैंने चलाया। मैं ही वो विकास गुप्ता, मैं ही वो सज्जन हूँ जो पूरे इंडिया में ये ट्रेंड चला दिया कि IBS भी ठीक हो सकता है बिल्कुल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे इंडिया को हिला देने वाला मैं ही हूँ, विकास गुप्ता फ्रॉम बिहार, समस्तीपुर, एकदम देसी, खांटी, असली बिहारी। कलकत्ता में रहे हैं 20-25 साल तक रहे हैं, अभी भी वहाँ घर है, अभी फिलहाल मैं बिहार में हूँ। लेकिन मैं, मुझे इस चीज़ का कोई घमंड नहीं है, लोग अच्छे हो रहे हैं भले हो रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैंने इसको साइकोलॉजिकल बीमारी घोषित किया, लोग अच्छे हो रहे हैं डायरेक्टली मेरे से या किसी से भी, अच्छी बात है। बस लोगों को भला होना चाहिए, लोग ठीक होने चाहिए, ये लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपये बर्बाद नहीं होने चाहिए लोगों के, मतलब फालतू के टेस्ट वगैरह डायग्नोस करवाने में, डाइट प्लान, ये प्लान, वो प्लान, झंड प्लान, कुछ प्लान नहीं होता डाइट प्लान, कुछ खाने से ये वगैरह वगैरह, दूध पीने से वगैरह, चिकन मटन खाने से या ओट्स खाने से या खिचड़ी खाने से या कोई डाइट प्लान इसमें कोई कुछ काम ही नहीं करता है। अगर किसी ने डॉक्टर ने बोला है कि दूध मत पियो या रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ, साग मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ,
मैं बस निःशब्द हूँ उनके लिए, क्योंकि एक डॉक्टर जो आपको ये सब बताते हैं कि दूध रोटी वगैरह वगैरह ये सब मत खाओ, उनके ऊपर से उनके ऊपर भी किसी का ये होता है, मतलब ऊपर से WHO से चाहे अमेरिकन मेडिकल साइंस से चाहे इंडियन मेडिकल साइंस से, जब तक उनको परमिशन नहीं दी जाएगी कि IBS के पेशेंट को क्या बोलना है नहीं बोलना है, तब तक वो कुछ नहीं बता पाएंगे। वो पढ़ लिख के डॉक्टर बने हैं, मैं भुगत भुगत के डॉक्टर नहीं बनाऊँ, बस एक्सपीरियंस हुआ है, तो इसलिए मैं IBS के रग रग से वाकिफ हूँ, IBS से कैसे निकाला जाता है। और क्या बताऊँ, वैसे आज मेरा बर्थडे है, मैं अपने आप को खुद को हैप्पी बर्थडे विकास गुप्ता बोल रहा हूँ, थैंक यू। अगर आप लोग को भी अच्छा लगे तो। अब कुछ लोग कहते हैं कि पैसा क्यों लेते हैं, पैसा वाजिब लेता हूँ, सही लेता हूँ, और जिनके पास ना हो तो बिल्कुल मैं क्रॉस चेक करके कम से कम भी लेता हूँ, या नहीं भी लेता हूँ, या 10 से लेता हूँ तो 2-4 आदमियों का फ्री में मेडिसिन बताता भी हूँ, सब कुछ गाइड भी करता हूँ, और अभी भी कर रहा हूँ, और महीने में 2-4 आदमियों को फ्री में मेडिसिन वगैरह का पैसा भी मैं सेंड करता हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। और क्या बताऊँगा, IBS बस एक मन का भ्रम है, IBS बस एक क्या बोलूँ, एक डर है, IBS बस कैसे समझाऊँ, इन शॉर्ट एक सेंटेंस में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू इन वन सेंटेंस अबाउट IBS। IBS के बारे में बस मैं एक सेंटेंस में समझाना चाहूँ कि IBS असल में है क्या, इसका जड़ क्या है, रूट कॉजेज ऑफ IBS इज योर ओवर सेंसिटिविटी ऑफ योर 5 सेंसेस, दैट्स ऑल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपकी जो गॉड गिफ्टेड 5 सेंसेस है, उसकी ओवर सेंसिटिविटी ही आपके IBS का रूट कॉजेज है, रूट कॉज है, मतलब जड़ है, ओवर सेंसिटिविटी ही आपके पेट का प्रॉब्लम नहीं है। यार बार बार समझा रहा हूँ, IBS कोई पेट की समस्या नहीं है, इसमें कोई भी खाना पीना परहेज नहीं है, सब कुछ खा सकते हैं इंसान के तरह, जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं, चाहे आप बंगाल के हों, हरियाणा के हों, या पंजाब के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, कर्नाटक के हों, चाहे बेंगलोर के हों, चाहे मुंबई के हों, चाहे कोलकाता के हों, चाहे पटना के हों, चाहे आप अमेरिका के क्यों ना, वहाँ का जो लोकल खाना है, वॉट एवर, जो भी आप खाते हैं, आपका लोकल खाना, नॉर्मल खाना, एक इंसान की तरह IBS में सब कुछ खा सकते हैं, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, 100% कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, मैं इसके लिए मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ। 3 साल तक मैंने बाबा रामदेव जो आज 10-20 हज़ार करोड़ के मालिक हैं, 3 साल तक उनका पूरा प्रोडक्ट और सारे प्रोडक्ट, ये डाइट वो डाइट, ये मत खाओ, दूध मत खाओ, घी मत खाओ, मीठा मत खाओ, फक यू राम बाबा रामदेव, फिर आप बोलोगे विकास भाई पैसा क्यों लेता है, अरे टाइम देना पड़ता है बॉस, आपको समझाने में, आपको बताने में, आपका गाइड करने में टाइम देना पड़ता है, महीने भर आपको 2-4 बार 10 बार कॉल करेंगे, कोई भी बड़ी समस्या होगी तो तुरंत आप मेरे को ही कॉल लगाएंगे, तो जायज है यार, मतलब आप, मैं इसको गलत नहीं समझता हूँ, 10 इंसान से पैसा लेता हूँ, 2-4 को फ्री में हेल्प करता हूँ, और रात को सुकून की नींद सोता हूँ, अभी सुबह के लगभग 8 बजे हैं, और अभी तक मैं, आज मेरा बर्थडे है, मैं अभी तक नहाया भी नहीं हूँ, नहाऊँगा,
बस मैं अपनी बड़ी वाली बेटी को स्कूल से छोड़ के आ रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं बिहार में ही आ गया हूँ। मेरी जन्मभूमि है, मेरी जो नेटिव विलेज है मैं वहीं पे हूँ, और बिहार समस्तीपुर मेरा जन्म स्थान है। और बिहारियों को कभी अंडर एस्टिमेट करने का कोई कोशिश ना करें, प्लीज़ नेवर ट्राई टू अंडर एस्टिमेट द बिहारी। जीरो का आविष्कार अमेरिकन से लेने नहीं किए थे, एक बिहारी आर्यभट्ट ने ही जीरो का आविष्कार किया था। भगवान बौद्ध की पावन धरती है ये बिहार। तो आईबीएस के रिगार्डिंग कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन मैं 101% कॉन्फिडेंटली मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी मेरे से मेरी मातृभाषा हिंदी, बंगाली या इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, उसमें मेरे को चैलेंज कर दे, चाहे कुछ भी चैलेंज कर दे, मैं इसको साइकोलॉजिकल 100% साइकोलॉजिकल बीमारी घोषित करता हूँ। 15 साल सफ़र करने के बाद आज 2 साल से आईबीएस से बाहर हूँ और बिल्कुल अपनी लाइफ नॉर्मल अच्छे से अच्छा बेटर बनते जा रहा है मेरा। हर दिन मुझे ऐसा फील होता है कि मैं और अच्छा बन रहा हूँ, और अच्छा आईबीएस ठीक हो रही है, मतलब और कुछ बेवकूफ़ लोग ये बोलते हैं ना कि 90% ठीक हुए भाई। कुछ लोग तो मुझे भगवान मानते हैं, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने तक, उसके बाद मेरे को गाली देने लगते हैं बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर रैंक के, आईएएस रैंक के लोग हैं, एसपी डीएसपी रैंक के लोग हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर आर्मी के, वो लोग ऐसे लोग हैं जो 2-4 महीने तक तो मुझे बिल्कुल भगवान की तरह मानते हैं, और जो ही 90% ठीक होता है, मतलब 2-4 महीने तक वो यही बोलते हैं कि विकास भाई यू आर ग्रेट, यू हैव अ ब्रिलियंट माइंड एंड यू हैव मच 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 बेटर नॉलेज देन अ डॉक्टर। या आई हैव, आई डिजर्व दैट बिकॉज आई हैव, आई स्पेंड मोर देन 15 ईयर्स इन फकिंग आईबीएस लाइफ एंड आई एम चैलेंजिंग टू एनीवन ऑन द अर्थ, ऑन द होल अर्थ।